हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि स्वागत करती हूँ आप लोगों का फ्री ऑनलाइन कोचिंग और भभुआ स्टडी सेंटर। और हम लोग, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना था, ठीक है, जो कि बिहार पीसीएस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और आप हम लोग आज के इस वीडियो में अब हम लोग देखेंगे बिहार के में प्रथम, यानी बिहार में प्रथम स्थान, प्रथम पद किसे प्राप्त हुआ था, ठीक है। जैसे प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम लेखक कवि कौन थे, इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि बिहार में प्रथम पद प्राप्त करने वाले कौन थे, प्रथम दर्जा प्राप्त करने वाले कौन थे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, मैं इस तरीके से ग्रीन से अंडरलाइन करती जाऊंगी ताकि अच्छे से ये समझ में आ जाए, क्योंकि ये पूरा ही ब्लैक से लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, ठीक है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं श्री कृष्ण सिंह, और सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले भी यही थे। अभी प्रेजेंट में तो सबसे ज़्यादा बार जो मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं नीतीश कुमार, लेकिन ठीक है, उस समय में जो सबसे ज़्यादा समय तक रहे थे वो थे श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। उनका समय था 1946 से लेकर 1961 तक वो मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। अब देखिए, सबसे सर्वाधिक कालावधि वाले, मैंने बताया ना, कालावधि वाले ने सबसे अधिक अवधि तक रहने वाले, अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री भी श्री कृष्ण सिंह थे। सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री थे सतीश सिंह, ठीक है। अब देखिए, सतीश सिंह सिर्फ 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। ये बिहार के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, जो कि सिर्फ 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। अब देखिए, ये 1968 में बने थे, ठीक है, 1968 में ये बने थे, जनवरी में, 28 जनवरी को, और फरवरी में 5 दिन बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं सतीश सिंह, ठीक है। प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री हैं भोला पासवान शास्त्री, ठीक है। ये सारे जो है वो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं 1995 से लेकर प्रेजेंट तक के मैंने लिए हैं, उसमें से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बिहार पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक या दो क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, ठीक है, अब्दुल गफूर 1973 से 1975, ठीक है, मुस्लिम मुख्यमंत्री थे ये। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 1997 से 2005। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1957 से 1962 तक, ठीक है। इनका समय भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी पूछ सकता है। विधानसभा के पहले दलित अध्यक्ष कौन थे, उदय नारायण चौधरी। उदय नारायण चौधरी जो विधानसभा के पहले दलित अध्यक्ष थे, ठीक है। और प्रथम शिक्षा मंत्री थे सर गणेश दत्त। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा, ठीक है, ये बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। सर्वोच्च न्यायालय के बिहार के प्रथम न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सबसे पहले जो बिहार से न्यायाधीश बने थे वो थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, ठीक है। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा सर्वोच्च न्यायालय के बिहार से प्रथम न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति थे। देखिए, अब अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का प्रथम व्यक्ति कौन थे स्वर्गीय रणधीर वर्मा। स्वर्गीय रणधीर वर्मा बिहार के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया था, ठीक है। बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति, ये कौन, मैथिली कवि हैं ये, ठीक है, ये मैथिली कवि हैं विद्यापति, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एक बार बिहार पीसीएस में कि मैथिली कवि के रूप में बिहार से किसे जाना जाता है, तो विद्यापति को,
ठीक है। और देखिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला बिहार का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो शेर शाह सूरी, यहाँ पे सूरी होगा, ठीक है, शेर शाह सूरी, जो कि 1540 ईस्वी में बिहार दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ये बिहार का पहला व्यक्ति था, ठीक है। अब देखिए, बिहार पर सर्वप्रथम विजय पाने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा पे आक्रमण किया था, नालंदा की लाइब्रेरी को, पुस्तकालय को जलाया था। ये वही मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी है जिसने बिहार पे सर्वप्रथम विजय प्राप्त की थी, ठीक है। सबसे पहले प्राप्त नवपाषाण बिहार का स्थल है चिरांद, ठीक है। अब देखिए, प्राचीन बिहार का पहला विश्वविद्यालय, तो प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। और आधुनिक विश्वविद्यालय है पटना विश्वविद्यालय, ठीक है। तो प्राचीन बिहार का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय और आधुनिक बिहार का पहला विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, ठीक है। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय, प्रथम खुला विश्वविद्यालय मतलब जिसे ओपन यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जैसे इग्नू है, ठीक है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, वो ऑल इंडिया के लिए है, ठीक है। लेकिन बिहार का ओपन यूनिवर्सिटी, सबसे पहला ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ पे? पटना मेडिकल कॉलेज। सबसे पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था? पटना मेडिकल कॉलेज, जिसकी स्थापना 1925 में की गई थी, ठीक है। और वो कॉलेज और अस्पताल दोनों ही था, ठीक है, कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों ही पहला बना था 1925 में, ठीक है। और पटना, देखिए, बिहार की सबसे बड़ी नदी परियोजना गंडक नदी परियोजना, ठीक है, गंडक नदी परियोजना बिहार की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। अब देखिए, बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र, सबसे पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ था? तो मुजफ्फरपुर में, ठीक है, मुजफ्फरपुर में 1978 में, ठीक है। अब देखिए, बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादक जिला कौन सा है? रोहतास जिला, रोहतास जिला सबसे ज्यादा गंधक उत्पादक जिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर बिहार के एक प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है। अब देखिए, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है बिहार बंधु, ठीक है। अब देखिए, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र, अंग्रेजी समाचार पत्र है 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा द बिहार हेराल्ड, ठीक है। प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा द बिहार हेराल्ड, ठीक है। और ये मैंने बता दिया ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। और बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र है 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा द बिहार हेराल्ड, ठीक है। और पटना उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश है, प्रथम जब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई तो उस समय पहला जो न्यायाधीश बने थे वो थे सर एडवर्ड माइनट डेस चैप्सस चमियर, ठीक है, ये पूरा नाम है इनका। और पटना उच्च न्यायालय के जो प्रथम भारतीय थे स्वतंत्रता के बाद जो न्यायाधीश बने थे वो थे सर सैयद फैजल अली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? सर सैयद फैजल अली, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। ये मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट बताया क्योंकि ये दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पीसीएस में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आज का वीडियो था। अब अगली बार हम लोग अब देखेंगे बिहार के बारे में कुछ और इतिहास जानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।